हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गाइड ट्यूटोरियल। स्टडी गाइड ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया पार्ट 2 कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्टडी गाइड ट्यूटोरियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और ये पार्ट 2 है वीडियो का। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले पार्ट 1 देखिए, उससे जो आपके बेसिक्स हैं वो और अच्छे से क्लियर होंगे और आप ये टॉपिक और अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, हमने कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक था उसके बारे में जाना था, और उसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कवर किया। आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल, जिसको होम रूल भी बोलते हैं, और वो है 1858 से 1947, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्राउन रूल जो शुरू हुआ, उसके शुरू होने की वजह ये थी कि 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपॉय म्यूटनी भी कहते हैं। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप उसमें देखेंगे कि 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था जो कि सिपॉय म्यूटनी के नाम से था, तो उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। हम इसमें सिर्फ इसका ब्रीफ रिव्यू लेंगे कि ये क्यों हुआ था वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो सिग्निफिकेंट एक्ट था ये जो 1858 का, वो इसलिए हुआ क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपॉय म्यूटनी भी कहा गया। तो इस रिवॉल्ट के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो कंपनी रूल है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको ख़त्म किया जाए, और जितने भी पावर्स हैं गवर्नमेंट टेरिटरीज और रिवेन्यूज़ की, वो सारी ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो जो फर्स्ट एक्ट पास किया गया जब क्राउन रूल शुरू हुआ, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इट वाज आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट्स इन इंडिया। और इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो हम वो फीचर्स कवर करेंगे अब। तो ये हैं फीचर्स ऑफ द एक्ट। इस फीचर के अकॉर्डिंग जो पहला फीचर है उसमें था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन द्वारा रूल करी जाएगी, और इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका डेजिग्नेशन चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया। और ये जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हैं, ये ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे और इंडिया में, और जो फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ये याद रखना है कि इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका डेजिग्नेशन चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया, और जो ब्रिटिश क्राउन के वॉइसरॉय थे ये ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थे, और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहले फर्स्ट वॉइसरॉय रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। और ये आपको ये भी याद रखना है, हमने पहले प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिंक, और जो फर्स्ट वॉइसरॉय अब हैं वो है लॉर्ड कैनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। सेकंड फीचर ये है कि जो डबल गवर्नमेंट थी, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कंपनी ने एस्टैब्लिश करी, वो इस एक्ट में अबॉलिश कर दिया गया। तो ये जो डबल गवर्नमेंट है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इस डबल गवर्नमेंट को इस एक्ट के टाइम पर अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट जो फीचर आया, जो थर्ड फीचर आया, उसमें एक नया ऑफिस बनाया गया, जिसका नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसके पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा कंट्रोल था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश कैबिनेट का ही मेंबर था। तो जो इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसको इस एक्ट के दौरान एक नया ऑफिस बनाया गया इसका। फोर्थ फीचर ये है कि एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई इंडिया में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती, और ये जो काउंसिल है वो एडवाइजरी बॉडी थी। याद रखिए, ये काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी थी, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनाया था वो इस काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया। तो ये एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती, तो ये भी आपको याद रखना है। फिफ्थ फीचर ये है कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल इन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बॉडी बनाई गई, जो कि कॉरपोरेट
लेवल पे थी, कॉर्पोरेट बॉडी थी, और वो केपेबल ऑफ सुइंग बोथ बाय इंडिया और इन इंग्लैंड, दोनों से सुई हो सकती थी. तो इट कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड. तो ये हैं कुछ फीचर्स एक्ट ऑफ 1858 के, और ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. आपको इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि फर्स्ट वॉइसरॉय जो इंडिया के बने वो थे लॉर्ड कैनिंग, और इस टाइम पे जो डबल गवर्नमेंट थी उसको एबॉलिश किया गया और एक नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, नया ऑफिस बनाया गया, और एक 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करती. तो ये थे फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1858. अब हम पढ़ते हैं कि इसके जो ये फीचर्स थे, इसके बाद जो नए एक्ट्स आए, काउंसिल एक्ट्स आए 1861, 1892 और 1909. जब ये रिवॉल्ट हुआ 1857, तो इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगने लगा कि अब इनका इंडिया पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए इंडियंस की काफ़ी ज़रूरत है, ताकि जो रिवॉल्ट हुआ 1857 उस जैसा रिवॉल्ट फिर ना हो. तो उनको ये काफ़ी नेसेसिटी लगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब उनको जो इंडियंस हैं उनका कॉपरेशन की ज़रूरत है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का उसको चलाने के लिए. तो इसी प्रेशर की वजह से उन्होंने एक एसोसिएशन किया इंडियंस के साथ, और वो तीन एक्ट्स लेकर आए पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो थे 1861, 1892 और 1909. तो इस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन के लिए उन्होंने तीन एक्ट्स पास किए. तो ये थे वो तीन एक्ट्स. और जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है, याद रखिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पहला काउंसिल एक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क रहा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में. तो इसके बारे में अब इस एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 है. सबसे पहला फीचर इस एक्ट का ये था कि इन्होंने इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया. तो आप देख सकते हैं इट मेड अ बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस. तो इन्होंने इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया. फिर उसके बाद इन्होंने जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है ने कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी नॉमिनेट किया. तो 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे जो वॉइस रॉय थे उस टाइम के, उन्होंने जो तीन इंडियंस को नॉमिनेट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो तीन इंडियंस हैं, उनका नाम आपको याद रखना है उन तीन इंडियंस का, वो हैं राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव. ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, ये ऑप्शंस में आते हैं, इसमें अधिकतर रॉन्ग हो जाता है. तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये तीन इंडियंस आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं. और ये तीन इंडियंस, जो तीनों इंडियंस हैं उनको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए नॉमिनेट किया गया. तो आपको ये याद रखना है कि इसमें इस एक्ट में जो इंडियंस थे उनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट किया, और जो काउंसिल एक्ट है 1862 का उसमें तीन इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया गया. उन तीनों का आपको नाम अच्छे से याद रखना है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव. सेकेंड फीचर ये है कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. और ये डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, जो पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो पिछले एक्ट में छीन ली गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक ये जो पावर्स थी ये इनसे हटा ली गई थी, ख़त्म कर दी गई थी, उसको वापस रिटेन किया, उनको रिस्टोर कर दिया. ये पावर्स जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की उनको रिस्टोर कर दिया गया इस एक्ट में. तो आप देख सकते हैं कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज इज इट दस रिवर्स एंड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चार्टर एक्ट 1833 तक जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से जो पावर ले ली गई थी उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर कर दी गई. थर्ड पॉइंट ये है कि एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जो कि तीन स्टेट्स में, तीन प्रोविंसेस में बनाई गई. एक थी बंगाल, एक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जिसको NWFP भी बोलते हैं, और एक पंजाब. और ये जो प्रोविंसेस बनाई गई ये बंगाल में 1862 में, NWFP में 1866 में और पंजाब में 1897 में बनाई गई. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क रहा कि इन्होंने न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई इन तीनों प्रोविंसेस में. फोर्थ फीचर ये रहा
कि जो लॉर्ड कैनिंग जो वॉइस रॉय थे उन्होंने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। याद कीजिए, जो आप देखिए जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो हमारे इंडिया में आज भी फॉलो किया जाता है। पोर्टफोलियो सिस्टम में जो मेंबर्स होते हैं, जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, उनको एक एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया जाता है और फिर वो फाइनल ऑर्डर्स इशू करते हैं काउंसिल के बिहाफ पर, जो उनके भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे जो रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो उनको इशू करते हैं। तो इसमें जो वॉइस रॉय है उनको एम्पावर किया गया कि वो रूल्स बनाए, ऑर्डर्स बनाए, जो कि ताकि एक कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन हो बिजनेस का काउंसिल में। और तो इस टाइम पे जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में, और इसमें जो जितने भी मेंबर्स थे वॉइस रॉय काउंसिल के उनको एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया। फिफ्थ फीचर ये है कि वॉइस रॉय को एम्पावर किया गया कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के टाइम पास होंगे और इनकी जो लाइफ होगी इन ऑर्डिनेंस की वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी। तो इट एम्पावर्ड द वॉइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ्स। तो आज भी हम देख सकते हैं, ये भी आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस का रूल फॉलो किया जाता है। तो जो लाइफ थी ऑर्डिनेंस की उस टाइम पे वो थी 6 मंथ्स। तो आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑर्डिनेंस जो थे वो कब इंट्रोड्यूस हुए, किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुए, तो वो हुए चार्टर एक्ट 1861 में। तो आपको ये याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। नेक्स्ट है फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ 1892। अब इसके बाद जो एक्ट आया वो आया 1892। इसमें जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको इंक्रीज़ किया गया, लेकिन जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी उनमें वो उतनी ही रखी गई, उसको मेंटेन रखा, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको इंक्रीज़ किया दोनों सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेकेंड पॉइंट ये है कि उन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शंस थे उनको इंक्रीज़ किया, उनको बढ़ाया, और उनके मेंबर्स को ये पावर दी गई कि वो बजट को डिस्कस करें और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हैं। तो ये पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को दी गई कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड जो उन्होंने फीचर इसमें एक्ट में लेकर आए वो था कि उन्होंने कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया दोनों सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसको जो वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो रिकमेंडेशन थी वो थी प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। तो जो वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें जो रिकमेंडेशन दी थी वो थी प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। और जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो रिकमेंडेशन थी वो थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स के द्वारा ये रिकमेंडेशंस दी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नॉमिनेशन हुआ कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का। अभी हमने पहले पॉइंट पे पढ़ा था कि कुछ जो एडिशनल मेंबर्स थे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको इंक्रीज़ किया गया था, तो यहाँ पर उन्हीं मेंबर्स का नॉमिनेशन हुआ। तो ये जो एक्ट था ये एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन था जिसमें इलेक्शन प्रोसेस का कोई यूज़ नहीं किया गया और इलेक्शन वर्ड यूज़ नहीं किया गया। इसमें जो भी सिलेक्शन हुआ वो नॉमिनेशन के थ्रू हुआ, जो भी रिकमेंडेशन दी गई सेंट्रल बॉडीज़ के द्वारा उसके बेसिस पे नॉमिनेशन हुआ। तो इलेक्शन का वर्ड इसमें यूज़ नहीं किया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी इसमें पूछ लेते हैं कि इलेक्शन का जो वर्ड था या इंट्रोडक्शन कब हुआ, कौन से एक्ट के दौरान हुआ, तो वो इस एक्ट में नहीं हुआ, वो आगे चल के दूसरे एक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा कि उस टाइम पे वो दूसरे एक्ट्स में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये थे फीचर्स ऑफ 1892। अब हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ 1909। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए जो इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत चांसेस हैं। तो जो ये एक्ट है इसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। अब ये मॉडले मिंटो का मतलब क्या है? जो मॉडले मिंटो है उसमें जो लॉर्ड मॉडले हैं वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और जो लॉर्ड मिंटो हैं वो उस टाइम के जो वॉइस रॉय थे इंडिया के वो थे। तो इन्हीं के दो के नाम पे ये इस एक्ट का नाम है। इसको एक्ट ऑफ 1909 भी बोलते हैं और मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विच एक्ट इज़ नोन एज मॉडले मिंटो रिफॉर्म, तो आपको याद रखना है ये एक्ट ऑफ 1909। तो इसमें जो लॉर्ड मॉडले हैं वो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, और जो लॉर्ड मिंटो हैं वो हैं वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो हम पढ़ते हैं। इसमें जो साइज था लेजिस्लेटिव काउंसिल का दोनों सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल का उसको इंक्रीज़ किया गया। तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के उनको रेज कर दिया गया 16 से 60 तक, और जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो यूनिफॉर्म नहीं थे, वो
कितने से कितने तक बढ़ते ही रहते थे, बढ़ते घटते रहते थे, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनको 16 से 60 तक इंक्रीज़ कर दिया गया। तो इसमें भी जो साइज़ था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, दोनों सेंट्रल और प्रोविजनल, उनका साइज़ इंक्रीज़ किया गया। फिर उन्होंने जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, सेकंड फीचर हम पढ़ेंगे, जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसको मेंटेन रखी, उसको कुछ उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उसको रिटेन रखी। लेकिन जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको कहा गया कि वो अब नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रख सकते हैं। तो उसमें प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी रखने का एक्ट पास हुआ। थर्ड फीचर ये है कि उन्होंने जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों लेवल्स के, जो सेंट्रल और प्रोविजनल लेवल के जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस थे, उनको इंक्रीज़ किया गया। जैसे अब जो मेंबर्स थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे बजट पे, और ये सब उनका जो मेंबर्स था उनको ये सब कुछ अलाउ किया गया। तो जो डेलिब्रेटिव फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों लेवल्स पे, प्रोविजनल सेंट्रल और प्रोविजनल लेवल के, वो इंक्रीज़ किए गए। फोर्थ पॉइंट ये है कि उन्होंने जो पहली बार जो इंडियंस थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय गवर्नर में एसोसिएट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस को जो वॉइसरॉय की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और गवर्नर की जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें एसोसिएट किया, उसमें उनको दर्जा दिया। तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं, आप याद रखिए प्लीज़, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले इंडियन थे जो वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने। उन्होंने जो पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया और उनको एज अ लॉ मेंबर वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सबसे पहले इंडियन थे जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जिन्होंने ज्वाइन किया, तो वो हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और कभी कभी इनका पोर्टफोलियो भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि उनको लॉ मेंबर की तरह अपॉइंट किया। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडियंस को एसोसिएशन मिला, इंडियंस को एक दर्जा मिला जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल उनमें अपॉइंट करने का। फिफ्थ पॉइंट ये है कि उन्होंने एक सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इंट्रोड्यूस किया। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आज भी चलता आ रहा है, जो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। तो इस टाइम पे जो एक्ट ऑफ 1909 है उन्होंने वो कंसेप्ट लेकर आए सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसके जो इसमें जो था, जो मुस्लिम्स थे उनको कहा गया कि जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा इलेक्ट होंगे। तो इस तरह से जो मुस्लिम्स थे उनको काफ़ी प्रायोरिटी दी गई। तो इसमें इस फिफ्थ पॉइंट इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर रहा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ मुस्लिम्स के लिए और एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए लाया गया। तो इस एक्ट में जो कम्युनलिज्म है उसको लीगलाइज किया गया। और जो लॉर्ड मिंटो हैं, इसको भी आपको याद रखना है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया है, जो लॉर्ड मिंटो हैं वो पहले उनको नाम दिया गया एज अ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि इन्हीं के जब ये वॉइसरॉय थे तब उसी दौरान ये एक्ट पास हुआ और उसी दौरान ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो इस एक्ट में लाया गया। तो इसलिए ही उनका नाम दिया गया द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। सिक्स्थ फीचर ये है कि इन्होंने जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया वो प्रोवाइड किया प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस को, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया। तो सिक्स्थ फीचर ये है। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसको प्लीज़ नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, ये आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें कुछ ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपको याद करना है, लॉर्ड मिंटो एज अ वॉज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये सब आपको इंपॉर्टेंट इस फीचर में, इस एक्ट में याद रखने हैं। नेक्स्ट आया एक्ट ऑफ 1919। अब जब 20 अगस्त 1919 को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर, सबसे पहली बार डिक्लेयर किया कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो वो लोग इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आए, तो उसके लिए वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लेकर आए, और जो कि 1921 में फोर्स में आया, लागू हुआ। और इस एक्ट को मॉन्टेग क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स बोला गया। अब देखिए इसमें भी मॉन्टेग जो हैं वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और जो क्लेम्स फोर्ड हैं वो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पे इस एक्ट का नाम है। तो ये पूछ लिया जाता है कि विच एक्ट इज नोन एज मॉन्टेग क्लेम्स फॉर रिफॉर्म, तो वो है एक्ट ऑफ 1919, ये आपको याद रखना है। तो ये एक्ट पास किया गया 1919 में और ये लागू हुआ 1921 में। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये एक्ट लेकर आए। अब इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं, फीचर्स क्या क्या हैं।
इसमें जो सेंट्रल का कंट्रोल था, पहला फीचर ये है कि इसमें जो सेंट्रल का कंट्रोल था प्रोविंस के ऊपर, वो रिलैक्स करने के लिए उन्होंने सोचा, तो उसको रिलैक्स करने के लिए उन्होंने कहा कि वो लोग सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट को अलग अलग कर देते हैं, तो इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग द एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट। तो उन्होंने सेंट्रल कंट्रोल को प्रोविंस पे कम रिलैक्स करने के लिए जो सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट है उनको सेपरेट कर दिया। तो जो सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स हैं उनको अब एथराइज किया गया कि वो अपने खुद के लॉ बना सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में। तो अब जो सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स थे उनको इतनी अथॉरिटी थी कि वो अपने खुद के लॉ अपने जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उस पर बना सकते हैं। तो लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था, भले ही ये दोनों डिवाइड हो गए हों, दोनों के सब्जेक्ट्स अलग हो गए हों, लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था वो अभी भी सेंट्रलाइज थी और यूनिटरी थी। तो सब्जेक्ट्स भले ही अलग हो गए हों लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रलाइज और यूनिटरी थी। जैसे अभी हम प्रेजेंट में भी देख सकते हैं कि हमारे जो सेंटर और स्टेट लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग हैं, बट उनकी जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक यूनिटरी है। तो ऐसे ही उस टाइम पे किया गया कि स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया और जो लेजिस्लेटर थे उनको ऑथराइज किया गया, अथॉरिटी दी गई कि वो अपने खुद के सब्जेक्ट्स बना सकें। सेकेंड फीचर यह है कि अब उन्होंने दो पार्ट्स में तो सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए थे, बट जो प्रोविजनल सब्जेक्ट्स थे उसको भी दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। पहला पार्ट था ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा था रिजर्व सब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट क्या थे। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे उसको गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट करते और जो विद द हेल्प ऑफ एड ऑफ मिनिस्टर्स, और ये जो होते वो रिस्पॉन्सिबल होते लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो आपको याद रखना है कि वो गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट होते और विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, और वो रिस्पॉन्सिबल होते लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो गवर्नर द्वारा ही एडमिनिस्टर होते और एग्जीक्यूटिव द्वारा ही उसको एड मिलती, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो इसमें डिफरेंस था कि वो ये लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो सेकंड फीचर ये था कि इन्होंने जो प्रोविजनल सब्जेक्ट्स थे उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड फीचर। थर्ड फीचर में यह है कि इन्होंने सबसे पहली बार जो बाइकैमरलिज्म है उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और डायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया कंट्री में, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको रिप्लेस किया एज अ बाइकैमरल लेजिस्लेटर। इसमें दो हाउसेज होते थे, वन इज़ अ अपर हाउस एंड सेकेंड इज़ अ लोअर हाउस। अभी भी हमारे प्रेजेंट इंडिया में हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बाइकैमरलिज्म को फॉलो करते हैं, उसमें दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और जो हाउस होता है उसको पीपल स्टेट बोलते हैं। तो ये दो हाउसेस तभी से हमारे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब आपको शायद इसकी डिटेल हिस्ट्री पता लग रही होगी कब से ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने लग गया। तो इसमें जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस किया गया बाइकैमरल लेजिस्लेटर से, और उसमें दो हाउसेस आए, अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं और लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स थे दोनों हाउसेज के वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा ही चुने गए थे। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे जो डायरेक्ट इलेक्शन था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब से जब भी पूछा जाए कि बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस कौन से एक्ट में आते, तो वो थे 1919 के एक्ट में, ठीक है। अब था फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर में ये कहा गया कि जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो भी 6 मेंबर्स हैं उसमें से जो 3 मेंबर्स होंगे वो इंडियन रहेंगे। तो इट रिक्वायर्ड दैट द 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन द कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। तो ये इंपॉर्टेंट रहा, इसमें इंडियंस जो था उनको काफ़ी एसोसिएशन मिला, काफ़ी ज़्यादा मान्यता मिली वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। फिफ्थ ये पॉइंट ये रहा कि उन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, हमने अभी आपको 1909 के एक्ट में बताया था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फीचर ऐड किया गया। तो फिफ्थ फीचर ये रहा कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जो 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ था उसको एक्सटेंड किया गया, और अब उसको जो है वो पहले तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ओनली फॉर मुस्लिम्स था, बट अब उनको 6 इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी प्रोवाइड किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस एक्ट में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है वो 6 को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को प्रोवाइड किया गया। तो वो है एक्ट ऑफ 1919। तो आपको याद करना है कि इस टाइम पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड किया गया। सिक्स्थ फीचर है कि उन्होंने जो भी फ्रेंचाइजी थी वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को ग्रांट करी, और वो
किस बेसिस पे ग्रांट करी, वो प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे उन्होंने ग्रांट करी। तो अगर जिस इंसान के पास उस टाइम पे प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन थी, उन्हीं लोगों को फ्रेंचाइज ग्रांट करी। तो ये इम्पॉर्टेंट है 6th फीचर। 7th फीचर ये है कि उन्होंने एक नया ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन बनाया। तो उन्होंने लंदन में एक नया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनाया और उसको जो कुछ फंक्शंस थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उसको ट्रांसफ़र कर दिए। तो इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। तो ये थे कुछ फीचर्स। 8th फीचर्स ये है कि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इस टाइम पे किया। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन, और याद रखिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट का नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया 1926 में, जो कि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम पे जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो सेटअप हुआ 1926 में फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। 9th फीचर ये है कि इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजनल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। तो सब इन्होंने अब पहले तो प्रोविजनल सब्जेक्ट ही सेंट्रल सब्जेक्ट से सेपरेट किए थे, अब उन्होंने सबसे पहली बार जो प्रोविजनल बजट था उसको भी सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया। तो अब जो प्रोविजनल लेजिस्लेटर था उनको इतनी अथॉरिटी मिल गई थी कि वो अपना खुद का बजट बना दे। तो आप देख लीजिए कितने चेंजेस हुए सेंट्रल और प्रोविजनल लेवल में। तो इन सब चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका जो कंट्रोल है प्रोविजनल गवर्नमेंट पे वो कम हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए। 10th फीचर ये रहा कि उन्होंने एक अपॉइंटमेंट करी एक स्टैट्यूटरी कमीशन की। तो एक जिसको देखना था कि जो ये रिफॉर्म्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या क्या उनकी नेग्लिजेंस चल रही है, तो इसलिए उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट करी। और इस स्टैट्यूटरी कमीशन के बारे में हम आगे आपको बताएंगे कि वो क्यों अपॉइंट हुई, कैसे अपॉइंट हुई और उसके क्या क्या रोल्स रहे। तो ये थे फीचर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919। और ये भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, आपको हर एक फीचर अच्छे से पढ़ना है और आप इसको आज के प्रेजेंट टाइम में रिलेट करके पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। तो अभी हमने आपको लास्ट पॉइंट पे बताया 10th पॉइंट पे कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया गया। तो वो जो स्टैट्यूटरी कमीशन था वो एक साइमन कमीशन, ये साइमन कमीशन जो है वही वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो अपॉइंट करी गई थी उस एक्ट में। तो जो नवंबर 1927 में जो टू ईयर्स बिफोर द शेड्यूल, तो उस एक्ट में बताया गया था कि 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। तो 10 साल होने से पहले ही, 2 साल पहले वो 1929 में ये अपॉइंट होता, बट 2 साल पहले ही 1927 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक अपॉइंटमेंट देंगे एक 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन का, और उसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे सर जॉन साइमन। तो ये 2 साल पहले ही उसका अपॉइंटमेंट हो गया इस कमेटी का, 1929 में होना चाहिए था बट 1927 में ही हो गया। और ये जो कमेटी है, ये जो बॉडी है, कमीशन है, ये रिपोर्ट करेगी जो कंडीशन, जो इंडिया की कंडीशन है, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके अंडर जो इंडिया की कंडीशन है उसके बारे में रिपोर्ट करेगी और जो भी रिफॉर्म्स हैं वो उसमें बताएगी। तो जितने भी मेंबर्स थे इस कमीशन के वो सारे ब्रिटिश थे, और इसी वजह से जितनी भी पार्टीज थी इंडिया की उन्होंने इस कमीशन को बायकॉट किया। तो इस वजह से जो एक स्लोगन भी दी गई, गो बैक साइमन, और बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ इसके टाइम पे। और उसी टाइम पे जो हमारे जो इंडियन के नेशनलिस्ट लीडर थे लालू लाजपत राय, जो उस टाइम पे बहुत सारा बायकॉट हुआ चीज़ों का और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो उस टाइम पे स्लोगन दी गई गो बैक साइमन। और क्योंकि उस टाइम पे जो ये कमीशन बिठाया गया उसमें सारे जो मेंबर्स थे वो थे ब्रिटिश, तो इस वजह से जो जितने मेंबर्स थे कमीशन के वो ब्रिटिश थे और जितनी भी पार्टीज़ थी इस वजह से उन्होंने इस कमीशन को बॉयकॉट किया। अब जो कमीशन था उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1930 में सबमिट करी। 1927 में कमीशन अपॉइंट हुआ, 1930 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। और ये जो कमीशन थी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी, कुछ रिफॉर्म्स दिए कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो डायर्ची है उसको एबॉलिश करो, एबॉलिशन ऑफ डायर्ची। उसके बाद उन्होंने ये दिया कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रोविंस में उसका एक्सटेंशन हो,
फिर उसके बाद उन्होंने दिया कि एक जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट, और फिर उन्होंने जो एक रिफॉर्म दिया वो था कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो कम्युनल इलेक्टोरेट जो हम पढ़ते आए हैं 1909 में, जो सिर्फ पहले मुस्लिम्स तक थे सीमित, उसके बाद वो सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस इन सब पे भी लागू हो गए। तो उन्होंने कहा कि उसका कंटिन्यूएशन हो, आगे के जो भी एक्ट्स हैं उसमें इनका कंटिन्यूएशन हो। तो ये कुछ रिकमेंडेशन दिए इस कमेटी ने। तो हम देखते हैं कि इस क्या क्या इसमें हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या डिस्कशंस हुए। तो इस कमीशन को कंसीडर करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक थ्री टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाई, और उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश इंडिया है और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इस कमेटी को, इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया। तो उन्होंने थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस टाइम पर बिठाई इस जो कमीशन, साइमन कमीशन है, इसके प्रपोजल्स को कंसीडर करने के लिए। तो इनका जो भी डिस्कशन हुआ, उन्होंने उस टाइम पे जो डिस्कशन जितना भी उनका उस बारे में हुआ, उन्होंने एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रिपेयर किया, और उन्होंने ये जो रिफॉर्म था, जो ये वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये सबमिट किया जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को। ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो कमेटी थी, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, उसको ये रिफॉर्म सबमिट किए। तो जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, और उसी के बाद जो आया वो था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935, जिसमें जो सारे साइमन कमीशन के जो भी रिफॉर्म्स और रिकमेंडेशंस थे वो इंक्लूडेड हुए। तो ये उसके बाद अब हमारा आएगा एक गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। तो इसी की वजह से साइमन कमीशन के जितनी भी रिकमेंडेशंस थे उसका जो सॉल्यूशन निकला वो था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो है 1932 में, अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनल, जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अनाउंस किया माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसको बोला गया कम्युनल अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है ये सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, इंडियंस, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये डिप्रेस क्लास को भी अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इस टाइम पे अब हम देख सकते हैं 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, 1919 में सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को इसका सेपरेट इलेक्टोरेट का रिप्रेजेंटेशन मिला। बट अब इस अवार्ड के अकॉर्डिंग जो डिप्रेस क्लासेज हैं, जो शेड्यूल्ड क्लासेज हैं, उनको भी इसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इन्होंने इस कम्युनल अवार्ड में कहा। तो जो गांधी जी थे हमारे, उन्होंने वो काफ़ी निराश हुए इस अवार्ड की, जब उन्होंने सुना कि अवार्ड ऐसा डिक्लेयर हुआ है, और उन्होंने उस टाइम पे इस अवार्ड को ख़त्म करने के लिए एक उन्होंने एक प्रण लिया, उन्होंने एक फास्ट किया जब अनटू डेथ का, और उसमें उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ से काफ़ी निराश थे जो एक्सटेंशन हो रहा था प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का। तो उसकी वजह से उन्होंने फास्ट लिया अनटू डेथ का, और उस टाइम पे वो येरवदा जेल जो पूना में है उसमें थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड है वो मॉडिफाइड हो जाए। तो फिर लास्ट में जाकर जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ लीडर्स ऑफ कांग्रेस और डिप्रेस क्लासेस के बीच में, जिसको बोला गया पूना पैक्ट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इंडियन हिस्ट्री में, आज भी हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ था पूना पैक्ट में। और उसी टाइम से जो हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट है उनको रिटेन किया गया, और जो डिप्रेस क्लासेज हैं उनको रिजर्व सीट दी गई। कभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सबको बहुत सारी रिजर्व सीट्स मिलती हैं। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि ये रिजर्व्ड सीट्स इसी टाइम पे इनको कम्युनल अवार्ड के टाइम पे दी गई। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स, कुछ एक्ट्स थे जो इम्पॉर्टेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं। तो इसमें हमने कवर किया है ऑलमोस्ट एक्ट्स, अब जो एक्ट्स बचे हैं 1935, 1947 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए आप रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, उसको रिलेट कीजिए जो भी प्रेजेंट टाइम है उससे आपको याद करने में और भी अच्छे से याद होगा आपको। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, उससे हमें और प्रोत्साहन मिलता है आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो देने का। और स्टडी गाइड ट्यूटोरियल चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको बिना सर्च करे डायरेक्टली मिल जाएगा।
तो अगर आपको इस वीडियो का PDF भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम आपको डायरेक्टली जो भी इसका PDF होगा वो मेल कर देंगे। आप अपनी मेल ID कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स, उस पर हम डेली क्वेश्चन अपडेट करते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप प्लीज़ उसको भी लाइक कीजिए ताकि आपको डेली क्वेश्चन मिलें। और हमारी ईमेल ID tutorialstudy@gmail.com, आपको कोई भी क्वेरी है आप डायरेक्टली इस पर भी मेल कर सकते हैं। और YouTube चैनल है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल, और ये वीडियो आपके लिए SSC, CGL, CPO, बैंकिंग, NTPC या दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। सो थैंक यू एवरीवन।